हम लोग तो घुले मिले हैं लोगों से, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। अभी हमारी बहन मिली आगे, हमने पैर झुककर इनका आशीर्वाद ले लिया। क्या आप उनसे अपेक्षा कर सकते हैं? ऐसी उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। वो सोच रहे हैं कि वो स्टार हैं, यहाँ स्टार की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टार की यहाँ जरूरत है जो उनके जनता के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनके मुद्दों पर लड़ाई लड़ सके, उनके पीछे में रह सके। अच्छा तो ये सवाल, इतने लोग लाइन पे थे, आप टिकट ले आए हैं और जो नाराज हैं उनको कैसे संभालेंगे? हम सारी हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे तमाम, हमारे केजरीवाल, हमारे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, सारे महानगर अध्यक्ष, हमारे पूर्व के मंत्री, कई हमारे यहाँ पर साथी, हमारी अभी बहन, हमारी संगीता राहुल जी जो MLA का चुनाव लड़ी है, और एक महिला नेत्री के साथ साथ दलित समाज की आवाज बुलंद है। हमारी आज प्रस्तावक के रूप में आपके बीच में है। हमारे तमाम साथी हम लोग साथ लेकर चलेंगे, और किसी के पास जाना होगा हम जाएंगे, और जनता से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी कुछ दिन पहले यहाँ भूख हड़ताल पे था, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी साथ खड़े हैं, कुछ दिन पहले भूख हड़ताल पे था, आप सब लोगों ने हमारी मदद की। लड़ाई क्या थी? वो लड़ाई थी कमजोर की, लड़ाई थी शोषित की, जो अस्पतालों में लूट चल रही है उसके खिलाफ। और मेरी पूरी मनसा है, ये कर्म भूमि है चौधरी चरण सिंह जी की, ये भूमि है स्वतंत्रता आंदोलन की, 1857 की क्रांति के नायक धन सिंह कोतवाल गुर्जर की, ये भूमि है उन ऐसे तमाम देश को आजाद कराने का काम किया, ये अतुल प्रधान इस मेरठ की धरती के लिए, अगर जान की भी कुर्बानी हमें लगानी पड़ेगी हम लगा। अदृश्य शक्ति से कैसे लड़ेंगे आप? हम अदृश्य शक्ति को नहीं मानते। हम जो शक्ति हमारे सामने खड़ी है, ये पत्रकारिता की ये चौथा स्तंभ, हम इसको मानते हैं। आप सच सही दिखा दीजिए, सही सही बता दीजिए, जैसे पूर्व में आपने मेरी मदद की है, मेरी लड़ाइयों में, मेरे संघर्ष में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय पर आप हमारी मदद करेंगे। आपने कहा अदृश्य शक्ति कैसी है? अभी यहाँ पर तमाम होर्डिंग लगे हुए हैं, ठेकेदार नगर निगम के, हमने पूछा कि इन पे हम होर्डिंग लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, हमने पूछा होर्डिंग लगा सकते नहीं लगा सकते, तो बताया गया कि पहले ठेकेदार से परमिशन लीजिए। हमने किसी उससे व्यक्ति से पूछा जिसको ठेका मिला है, उसने कहा सरकार के लगेंगे, यह है अदृश्य शक्ति। लेकिन जनता सब देखेगी, ये मेरठ का एक एक व्यक्ति, मेरठ का एक एक बच्चा, मेरठ का एक एक बच्चा तय करेगा कि मेरठ का लाल इस जगह पर जीतेगा। Thank you.